तो महीनों के इंतज़ार के बाद फाइनली एप्पल का इवेंट ख़त्म हो चुका है और इस इवेंट को देखने का ये मतलब है कि पूरी 1-3 घंटे की मूवी आप इंजॉय कर सको, वही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, एप्पल पार्क का सीन वगैरह वगैरह, ड्रोन शॉट वगैरह। चलो ये सब चीज़ें बेसाइड है, बात करते हैं इसमें क्या क्या हमें देखने को मिला। बेसिकली एप्पल ने बहुत सारी चीज़ें इसमें अनाउंस करी, जैसे कि वॉच सीरीज 8 जिसकी प्राइस हमेशा एक्सपेक्टेशन से ऊपर, साथ के साथ वॉच की SE का सेकेंड जनरेशन जो कि 29-30 हज़ार की प्राइस में लोएस्ट वर्जन है, लेकिन इसमें आपको बहुत सी कस्टमाइजेशन मतलब मिलती है। साथ के साथ इन्होंने एक बिग अपग्रेड के साथ अपनी वॉच की एक अल्ट्रा सीरीज 8 अल्ट्रा लॉन्च कर दी, जो कि एक आईफोन 13 के प्राइस के बराबर है। अगर वही बात की जाए कि एप्पल वॉच में क्या नया दिया, तो बेसिकली 2 मोड इसमें ऐड किए हैं, जैसे एक क्रैश डिटेक्शन और एक टेम्परेचर सेंसर वगैरह ऐड कर दिया गया। तो 2 सेंसर ऐड किए हैं वॉच 8 में। साथ के साथ इन्होंने अपना एयरपॉड्स प्रो का एक सेकेंड जनरेशन लॉन्च किया, जिसकी प्राइसिंग अप्रॉक्स करीब 26,000 के आसपास रखी गई इंडिया प्राइसिंग में। साथ के साथ फाइनली लंबे चौड़े इंतज़ार के बाद इन्होंने अपने आईफोन को भी इंट्रोड्यूस किया। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईफोन्स के बारे में कि क्या कुछ नया कैसा होने वाला है, और मैं पर्सनली कितना एक्सपेक्ट कर रहा था और क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा था एप्पल से। साथ के साथ हम 2 सिनेरियो पे बात करेंगे, क्या मुझे बेस्ट लगा इस आईफोन लॉन्च में और क्या मुझे बेकार लगा इस आईफोन लॉन्च में। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ नया देखने को मिला। सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर ली जाए कि आखिर इंडिया में प्राइसिंग है और कब से ये अवेलेबिलिटी होगी इसकी। तो iPhone 14 की जो प्राइस रखी इंडिया में एज ऑन iPhone 13 के आसपास, यानी वो करीब 70-80 हज़ार के आसपास मिलेगा। वहीं iPhone 4 आए थे, जिसमें से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वो प्लस आ चुका है। तो मतलब iPhone 14 और iPhone 14 प्लस और iPhone 14 प्रो एंड iPhone 14 प्रो मैक्स, बेसिकली 4 iPhone लॉन्च हुए। iPhone 14 और 14 प्लस की जो प्राइस है समथिंग वो 80,000-90,000 के आसपास है। अब वहीं अगर iPhone 14 प्रो और iPhone 14 प्रो मैक्स की अगर प्राइसिंग की बात करा जाए तो 129 एंड 140 के आसपास है, मतलब 1,20,000 और 1,40,000 के आसपास। अगर जनरली देखा जाए तो पिछले साल से आईफोन के हिसाब में, अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए प्राइसिंग जो लॉन्च की थी, 10,000 की प्राइसिंग बढ़ा दी गई है। तो अब बात करेंगे क्या मुझे पर्सनली इसमें नया लगा और क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक चीज़ आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर चैनल पर नया हो तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो शुरुआत करेंगे आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस से, आखिर इसमें क्या नया देखने को मिला। अगर मैं इसमें बेस्ट की बात करूं तो मुझे बेस्ट ये मिला कि इसमें इस बार जो कैमरे पे अपग्रेड कर दिया गया, यानी iPhone 13 Pro का कैमरा इसमें ऐड ऑन कर दिया गया, सेंसर शिफ्ट की टेक्नोलॉजी, एक नया मोड दिया गया एक्शन मोड दिया है, साथ के साथ इसमें वीडियोस के लिए कुछ स्टेबलाइजेशन वगैरह इंट्रोड्यूस करी, फोटोज़ के लिए फोटोनिक इंजन को इंट्रोड्यूस करा गया, साथ के साथ इसमें डिफ्यूजन को भी ऐड कर दिया गया। तो मतलब ये कहा कि अगर iPhone 13 Pro का जो कैमरा मॉड्यूल था वो उठा के इसमें iPhone 14 और iPhone 14 प्लस में ऐड ऑन कर दिया। अब बेसिकली ये दोनों फ़ोन्स ना यूज़र्स को इंगेज के लिए होते, क्योंकि इनका मुझे लगता है कि पिछले साल जैसे इन्होंने iPhone 12 13 मिनी को अनाउंस किया, वो ये था कि वो एक बेसिक कम लेवल के कस्टमर को टारगेट करते थे, मतलब जिनको छोटा फ़ोन पसंद था। अगर iPhone 14 और 14 प्लस के बारे में बात की जाए तो क्रमशः 6.1 और 6.7 इंच की डिस्प्ले है, वही नॉर्मली XDR OLED वाली डिस्प्ले है, साथ के साथ सब कुछ ये चीज़ें हैं। लेकिन बेस्ट केस इसमें यही है कि आपको कैमरा अच्छा मिल रहा है, साथ के साथ आपको बेटर बैटरी लाइफ मिल रही है जो कि एप्पल क्लेम कर रहा है। और अगर बेकार के बारे में बात करा जाए, जो मुझे नहीं एक्सेप्टेबल लगा या मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर एक 80,000 का फ़ोन हो और 60Hz का अगर पैनल आए तो थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट है। साथ के साथ फास्ट चार्जिंग को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, हो सकता था इस चीज़ के लिए हमें कई साल का वेट करना पड़ जाए एप्पल वालों के लिए। दूसरी चीज़ इसमें जो डिज़ाइन है, मतलब वो थोड़ा सा इनोवेशन के नाम पे इन्होंने चूना लगाया है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ नई डिज़ाइंस वगैरह देखने को मिली, तो नॉच सेम है, मतलब थोड़ी सी नॉच छोटी कर दी गई है आईफोन 13 से आईफोन 14 को अगर कंपेयर किया जाए। साथ ही साथ सेम नॉच के साथ सिस्टम आया, हालांकि थोड़ा सा बड़ा फ़ोन कर दिया, ये चीज़ है। तो ये रहे आईफोन 14 के मेरे पर्सनली विचार के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। हालांकि एक चीज़ और इसका मुझे सबसे ज़्यादा बेकार ऑप्शंस लगा, वो है इसकी चिप को, क्योंकि इसमें सेम वही आईफोन 13 सीरीज वाली एप्पल की जो A15 बायोनिक चिप है उसी को ऐड कर दिया। बस क्या किया इन्होंने, एक एक्स्ट्रा CPU कोर को ऐड कर दिया गया, मतलब पिछले 5 कोर CPU था, इसमें 6 कोर CPU ऐड कर दिया और 5 कोर GPU ऐड किया, साथ ही साथ फोटोनिक और न्यूरन इंजन वगैरह इसमें ऐड किया, मतलब उसी चिप्स को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके इंट्रोड्यूस कर दिया।
तो ये रहा आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस। बेसिकली मैं तो बताऊंगा कि आपको क्या सही होगा। अब अगर एक बिग अपग्रेड के बारे में बात की जाए, वो है इनका आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। सबसे ज़्यादा जो मेन काम हुआ है वो इन्हीं में ही देखने को मिला, और यही एक ह्यूज अपग्रेड भी मेरे हिसाब से हो सकते हैं। बेस्ट के बारे में बात कर लीजिए कि क्या इसमें मुझे सही लगा, जो बात करें इसके बारे में वो है इसका कैमरा। यानी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एप्पल ने अपना 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, साथ के साथ 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर ऐड कर दिया गया। अगर मेन कैमरे की बात करा जाए तो इसमें भी पिक्सल बिनिंग की टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब ये 4 पिक्सल को जोड़ के एक पिक्सल में कन्वर्ट कर दी, लेकिन एक्चुअल जो फोटो खींची जाएगी वो केवल 12 मेगापिक्सल की खींची जाएगी। दूसरा इनका जो लॉन्च इवेंट का मेन हाईलाइट था वो था इसकी नॉच। मतलब जैसा पहले था कि ये पिल शेप नॉच आएगी, है पिल शेप नॉच, लेकिन इसमें जो नॉच को लेकर जो सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म में कलाकारी करी गई वो एप्पल के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। मतलब जो एक नॉच को ऐसा इंट्रोड्यूस किया है उसको कहा है डायनामिक आइलैंड वगैरह समथिंग का नाम दिया है, साथ के साथ उसके जो एनिमेशन वगैरह जो रियल टाइम पे वर्क करते हैं, तो ऐसा आपको कभी फील नहीं हो सकता कि इसमें एप्पल की बड़ी नॉच दे। तो मतलब जो इस नॉच के सॉफ्टवेयर को जो यूज़ करना जाने वो बेसिकली एप्पल के अलावा कोई नहीं कर सकता। अदर चीज़ों की बात करें जो आईफोन 14 प्रो सीरीज मुझे अच्छी लगी वो है इसकी डिस्प्ले, यानी 1600 nits की ब्राइटनेस है और पीक ब्राइटनेस इसकी 2000 nits तक जा सकती है। साथ के साथ बैटरी लाइफ को इम्प्रूव किया, इतना नहीं कैमरे में भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड करी, मतलब इसमें एक्शन मोड वगैरह दे दिया, बैटरी लाइफ को इम्प्रूव किया, डिस्प्ले में कुछ ऐड कर दिया, साथ के साथ डायनामिक आइलैंड को भी इंट्रोड्यूस किया, समथिंग कुछ ऐसा। लेकिन अगर मुझे क्या अच्छा नहीं लगा तो ये था कि इसमें आपको डिज़ाइन सेम दी है, वही बॉक्सी एलुमिनियम फ्रेम वगैरह, साथ के साथ इसमें फास्ट चार्जिंग को भी वेट करना पड़ेगा। वेस्ट चीज़ों की बात करो जो इसमें लगा वो AOD को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब इस बार आपको जो प्रो सीरीज मिलेगी उसमें आपको AOD यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिलेगा। साथ के साथ जो एंड्रॉयड की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थे उसमें से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अगर इसमें जो भी आपके कंटेंट रहेंगे लॉक स्क्रीन के ऊपर उसमें उसकी लाइट को डिम होगी, लेकिन आप क्लियरली विजिबिलिटी आप देख सकते हो। बस रियल टाइम ये देखना होगा कि इसमें बैटरी को कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो थोड़ा सा टेस्ट करने लायक है। बाकी इसमें आपको जो प्रोमोशन डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया जो 1 Hz से लेके 120 Hz तक जा सकती है, वेस्ट केस में अगर ये AOD में अगर है फोन्स तो ये 1 Hz की डिस्प्ले भी मतलब 1 Hz पर जाएगा। इसके साथ जो नहीं अच्छा लगा वो था इसमें फास्ट चार्जिंग भी नहीं दी है, साथ के साथ डिज़ाइन को इम्प्रूव नहीं किया है, वही सेम कुछ सेम चीज़ें लगाई गई। तो मतलब ये रहा टोटल सा एक समराइज की आईफोन 14 सीरीज हमें ऐसी कुछ देखने को मिलेगी। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो इस बार 10,000 रुपये प्रो मॉडल्स में बढ़े हैं, बाकी हालांकि नॉन प्रो मॉडल्स की अगर बात की जाए तो सेम प्राइस के साथ है जो कि हमें आईफोन 13 सीरीज देखने को मिली। अब कंक्लूजन ये दिखा कि आखिर हमें रिकमेंड क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास आईफोन 13 है तो उसको आप 14 पे मत स्विच करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास आईफोन 12 है फिर अगर आप 14 पे स्विच करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप स्विच कर सकते हो। अब बेस्ट क्या रहेगा मेरे लिए, तो सबसे ज़्यादा अगर आप नॉन प्रो में जा रहे हो तो आप आईफोन 14 मैक्स प्लस की मतलब आईफोन 14 प्लस की तरफ देख सकते हो, उसमें आपको बेटर बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और अगर आप प्रो मॉडल्स में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो मेरे हिसाब से आपको आईफोन 14 प्रो ये मेरे हिसाब से बेस्ट लगे। आप प्रो मैक्स में मत जाइए क्योंकि वो थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ जाएगा, थोड़ी सी आपको बैटरी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन फीचर्स वगैरह सारे सब कुछ सेम टू सेम ही दिए हुए हैं। तो मतलब ये रहा था पूरा एक एप्पल का इवेंट जो मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगी बेस्ट लगी मैंने आपको बताई। अगर आपके मन में कोई विचार हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर पूछ लेना। बेसिकली अगर आप IQ Z सीरीज के IQ Z 6 लाइट 5G लाइट के बारे में जानना चाहते हो वाला वीडियो आपको इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।